सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सके और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, मैं हूँ अवनी और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सब अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये टर्मरिक ऑयल बनाना बताया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैंने उस वीडियो में बताए थे। तो अगर अब तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो आज इस ऑयल की मदद से हम लोग एक नाइट फेस सीरम बनाने जा रहे हैं जो कि ये है, और इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं पिछले 3 से 4 हफ्ते हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। आप इसको प्लीज़ ज़रूर बनाकर देखें। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, मार्केट का। नेचुरल एलोवेरा जेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें आप, आपको मार्केट का ही जेल यूज़ करना है क्योंकि हमें सीरम बनाना है तो हम नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है ये हमारा हल्दी से बना हुआ ऑयल जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है गुलाब जल, और गुलाब जल हम मार्केट का ही ऐड करेंगे क्योंकि घर का आप ऐड करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप मार्केट का ही इसमें गुलाब जल ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों इसको ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, अगर आप इसमें गुलाब जल ऐड नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत चिपचिपा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा गुलाब जल ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बाद हमें बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ध्यान रखें बहुत थोड़ा सा हमें कैस्टर ऑयल ऐड करना है। ये आपकी एज साइंस को दूर करने में बहुत अच्छा रहता है और रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसको मिस ना करें, इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा जो सीरम है बनकर तैयार हो गया है। तो नाइट टाइम के लिए आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद अपने फेस पर टोनर को अप्लाई करना है, और टोनर लगाने के बाद आपको ये सीरम अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन हैं तो आपके पोर्स में ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएंगे, लेकिन हमने इसमें ऑयल भी डाला है और साथ ही कैस्टर ऑयल भी है, तो आपको, मुझे नहीं लगता इसके बाद मॉइस्चराइज़र या फिर नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इसको लगाने के बाद नाइट क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके फायदे क्या क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ आपको केवल और केवल नाइट के टाइम ही अप्लाई करना है, दिन में आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्योंकि हमने इसमें हल्दी का जो हमने ऑयल बनाया है वो डाला है, और जब भी हम कोई टर्मरिक से बनी हुई चीज़ बनाते हैं या लगाते हैं तो हम उसके बाद सन रेज के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए हमें, क्योंकि उससे हमारी स्किन को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ डैमेज हमारी स्किन पर हो सकता है। तो ध्यान रखिए ये केवल और केवल आपको रात में ही अप्लाई करना है। ये फेस सीरम के बहुत सारे फायदे हैं, जब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट आप खुद ही महसूस करेंगे दोस्तों। ये आपके चेहरे पे ग्लो देगा, साथ ही आपके स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन रखेगा, और क्योंकि हमने इसके अंदर टर्मरिक ऑयल ऐड किया है जिसमें एंटीबैक्टीरियल तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स एक्ने हैं तो उसको दूर करने में मदद करेगा, साथ ही अगर आपके डार्क पैचेस हैं, झाइयों की दिक्कत है उसको भी दूर करेगा, और साथ ही साथ मैं बता दूं आपके जो चेहरे की रंगत है उसको भी निखारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही हमने इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी ऐड किया है जो कि आपके एज साइंस को दूर करने में मदद करता है, तो उसको ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत ही अच्छा सीरम मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसको ज़रूर बना के देखें, और इसके जो रिजल्ट हैं आपको खुद 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको दिखाई देंगे। प्लीज़ इसको ज़रूर बना के देखें, और कैसी लगी है मेरी ये वीडियो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। टर्मरिक ऑयल कैसे बनाना है उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।